Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. I request you to please fasten your seatbelts, for this is going to be an ugly, gut-wrenching, bumpy, and a stereotypically fucked up ride. Also, explicit content ahead. फिर मत बोलना वार्निंग किया था. हाँ नहीं तो. ये क्या है? गंगा जल. साला पवित्र कर देंगे आज तेजपुर को. So, this movie was so bad that it managed to rewire my neural connections, reallocate my brain cells, and as a result, इस movie का मुझसे nutshell नहीं बन पाया. क्योंकि ये उसके भी लायक नहीं है bro, उसके भी लायक नहीं है ये. इसका nutshell बनाने जाओगे तो तुम्हें देशद्रोही भी अच्छी लगेगी. इतनी अच्छी कि शायद तुम KRK को भाई के legal notice की जगह बकायदा Oscar दिलवा दोगे. Because this movie is so bad कि इसको तुम खराब movies के खराब section के खराब होने का खराब milestone बना सकते हो. And ऐसी movie देने वाला दुनिया में एक ही है जो थोड़ी सी और दिखाए तो क्रिस्टोफर नोलन की मां छोड़ गया है घर तक ऑन फुट वाया बैंडर वाली सीलिंग. देखो बॉलीवुड में बहुत से खान हैं, जैसे कि शाहरुख खान नोन फॉर गजब एक्टिंग एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ क्लासिक थिंग्स, आमिर खान नोन फॉर डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज एंड स्टिल मेकिंग अ गुड प्रॉफिट, सैफ अली खान फॉर एक्टिंग अच्छी है लेकिन फोकस बच्चों पे है. अबे इसको किसी ने बताया नहीं क्या, दो से ज्यादा बच्चा बवासीर होता है, हमारा पिंटू बवासीर है. वेरी गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी. Anyway, not my business. फिर आते हैं सलमान खान for being the most wanted. But amongst all of the other खान्स, आते हैं हम शगल्स के director, the one and only साजिद खान, known for being unwanted. Unwanted because यार करियर में दो ढंग की मूवीज बनाने के बाद बाकी सारी निकली हरासमेंट, और करियर के अलावा बाकी सब कुछ is more like harassment. A lot to me. Alleged, obviously. सच बोल के चैनल थोड़ी बंद करवाना. कहा था मैं? हाँ जी, हम शकल्स. लोग कहते हैं कि इंसान को सिर्फ अपने खुद के पाद और खुद की टट्टी की बदबू सहन होती है. अब उस स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो दिस मूवी वुड स्मेल लाइक स्टेशन का वो टॉयलेट जहाँ पे हर तरह का बैक्टीरिया बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे सालों से पानी नहीं आया और हगने आते हैं डायरिया के पेशेंट, मतलब सूंघते ही लंग और लंड दोनों कैंसर. बट वन थिंग आई लाइक अबाउट साजिद खान इज दैट ही इज वेरी अवेयर ऑफ हिज ओन कंटेंट एंड स्किल्स, बट स्टिल ही चूजेस टू टेक इट अप अ नॉच, मे बी टू सी कि और कितना गंदा किया जा सकता है. मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ साजिद खान की हिम्मत वाला. माना सेल्फ रोस्ट इज अ वेरी हेल्दी थिंग, लेकिन आई डोंट थिंक ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट डूड. मूवीज आर ऑफन सपोज्ड टू बी इन अ मेक बिलीव सिनेरियो, लेकिन साजिद खान की मूवीज का सिनेरियो ऐसा होता है कि भगवान भी बोले बेटा आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस. क्योंकि यार ये मूवी स्टार्ट होती है डायरेक्टर्स नोट से विच सेज अ वाइज मैन वंस टोल्ड मी, सॉरी गाइस आई फॉरगॉट व्हाट ही टोल्ड मी. वेल ऑब्वियसली याद होता तो डायरेक्शन कब का छोड़ चुका होता ना. और तो और ही हैड द ऑडेसिटी टू राइट डेडिकेटेड टू गुरुज ऑफ मैड कॉमेडीज, किशोर कुमार, जिम कैरी, पीटर सेलर्स, एंड देन शो अस दिस. अच्छा चलो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, इस मूवी में सैफ अली खान एक बिजनेसमैन है जिसके पास खूब पैसा है, लेकिन उसे ऑर्गेजम 20 लोगों के सामने बेइज्जती कराने के बाद ही आता है. ओके ओके, एक पोटैटो ने दूसरे पोटैटो को फोन पे पता है क्या कहा, आलू अगर सैंड्रा नाम की लड़की की शादी किसी सांड से की जाए तो क्या हम उसे सैंड्रा बुलक कह सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से क्यों डरते हैं? Because 7, 8, 9. चुप रे मदरचोद. एंड साजिद लाइक्स इट. रितेश देशमुख है सैफ का बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि एक हीरो से मूवी चलेगी नहीं ना, तो दो हीरो लेके प्रोड्यूसर का ज्यादा पैसा डुबाएंगे ब्रो. और इनके साथ है इनका मामा राम कपूर, हु इज देयर टू बी फ्रस्ट्रेटेड, लव एंड लाफ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. और इसको चाहिए बिजनेस का कंट्रोल. क्या बाप का है? अरे बाप पड़ा है कोमा में पिछले 6 साल से, क्योंकि उसको मालूम है कि बेटा अगर गलती से उड़ गए तो साजिद कुछ अखंड चुतियापाई कराएगा. 3 days later. मैं बताता हूँ मेरा बेटा चूतिया है. डैड, अरे ये तो बाप है. देखा, बोला था ना मैंने. और इनके अलावा मूवी में 3 एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन इसको जाके पूछोगे कि भाई तेरी मूवी में एक्ट्रेस का क्या काम है, आई डोंट अंडरस्टैंड, तो ये बोलेगा #MeToo. नहीं मतलब MeToo मतलब मुझे भी नहीं पता, ऐसा वो बोलेगा. नहीं डोंट गेट मी रॉन्ग, फंसा दोगे तुम मेरे को ऐसे. यार मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अलग जेड है, सब अलग जेड है. अच्छा बंटी तो चूतिया है.
जाने मन में अक्षय ने हमें बताया कि दुनिया में लोगों के टोटल 7 लुक अलाइक्स होते हैं एंड साजिद टुक दैट पर्सनली, तो एक ही मूवी में 3 जोड़ी लुक अलाइक्स दिखा दिए। और ये देखने के बाद आई कैन टोटली रिलेट विद द ग्रेट ग्रेट जीडी बख्शी, क्योंकि हर एक पंच लाइन सुनने के बाद आई वाज लाइक देखो, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज थ्रू साजिद खान्स माइंड, यू शुड वॉच हिज मूवीज, बिकॉज़ आई फाउंड आउट दैट ही लव्स ओनली 3 थिंग्स इन हिज लाइफ। पहला, जुलाब से भी गंदे जोक्स। पजामा। दूसरा, जी भर के स्टीरियोटाइपिंग। सर, आज पूर्णिमा, फ्राइडे से 13th। यार भाई भाई, यार भाई भाई। गद्दाफी और चिकन हक्का नूडल। किम जोंग। और तीसरा, अंग्रेज। नहीं मतलब साजिद खान हैज टू बी दैट गाय, जो 75 साल पहले इंडिया आजाद नहीं होता तो ज्यादा खुश होता, क्योंकि बिना बात के, बिना प्लॉट के, कुछ भी आटू झाटू रीजन देके उसे समहाउ अपनी मूवी में ब्रिटिश रॉयल फैमिली दिखानी ही है। अर्जुन रामपाल को अच्छे फौजी होने का रिवॉर्ड देना है, रॉयल फैमिली। जेडी के बच्चों की शादी करानी है, रॉयल फैमिली। और इस मूवी में सिर्फ कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर करनी थी, साला उसके लिए भी रॉयल फैमिली। नहीं मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस ऑब्सेशन डूड। रिमेम्बर वो रिश्तेदार जिन्हें कितना ही समझा लो उनकी सोच कभी नहीं बदलती, वैसे ही बाकी सब अपना दिमाग चला रहे हैं, लेकिन साजिद की कैसेट 2005 में अटकी पड़ी है। हाय मामा जी, मुंजो माथो खराब मत कर। अफवाह है कि लंदन के टॉप साइंटिस्ट्स माइट बी लुकिंग फॉर दिस गाय, सो दैट फाइनली खोपड़ी खोल के देख पाए कि अंदर कौन से जमाने का भूसा भरा है, क्योंकि प्लॉट हो भाई ही, ऐसा प्लॉट सुनके तो कैंटीन तारण तीनों के भी पैरों तले धरती खिसक जाए ब्रो। मतलब इस दवाई का सेवन करने से इंसान 24 घंटे के लिए कुकुर बन जाता है, तो इसको यूज करके राम कपूर सैफ और रितेश को पागल करार कर देता है और इनको पागल खाने भेज के कंपनी हड़पने की कोशिश करता है, एंड दैट्स द स्टोरी, दैट इज लिटरली द स्टोरी। माय लव फॉर हिंदी सिनेमा। इसको बोलते हैं अब्यूजिव रिलेशनशिप, रियल डेफिनेशन ऑफ अब्यूजिव लवर। इतना लव फॉर इंडियन सिनेमा की साला मार चोक दिए भैया जी आप तो। जिस दिन ऑडियंस ने मुझे सर हरी झंडी दिखा दी, मैं निकल जाऊंगा। होल्ड ऑन रॉन, होल्ड दैट थॉट जस्ट फॉर अ सेक। नो, ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन इन टॉर्चरिंग पीपल। इट वाज रियली बैड। साजिद खान शुड रिटर्न आवर मनी। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। साजिद खान शुड बी बैंड फ्रॉम मेकिंग द मूवीज। जिस दिन ऑडियंस ने मुझे हरी झंडी दिखा दी, मैं निकल जाऊंगा। क्या मेरा सबसे बड़ा फ्यूल जो है, इट इज माय बिलीफ इन माय सेल्फ एज एन ऑडियंस, कि व्हाट वुड आई एंजॉय वाचिंग एज अ हिंदी फिल्म ऑडियंस। अच्छा, एंड दिस इज व्हाट यू एंजॉय डूड। एक मिनट, इसको वापस बैन कर दो यार।